आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रक्षाबंधन का पर्व आप सभी ने बड़े उत्साह और विधि विधान से मना लिया। अब राखी उतारने में जल्दबाजी नहीं करें, शुभ मुहूर्त पर ही राखी उतारें। आइए जानते हैं राखी कब उतारनी चाहिए और किस प्रकार से उतारनी चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक किसी भी शुभ काम या अवसर को शुरू करने से पहले शुभ दिन, शुभ मुहूर्त और दिशा देखी जाती है। राखी तो हम सभी ने शुभ मुहूर्त में बांध ली, लेकिन रक्षा सूत्र उतारने का भी शुभ मुहूर्त और सही दिशा का ध्यान भी रखना चाहिए। जब तक शुभ मुहूर्त ना आए, राखी कलाई में बांधे रखें और रक्षा सूत्र उतारने का मुहूर्त बीत जाने के बाद उसे पहनना भी नहीं चाहिए। अधिक दिनों तक कलाई पर राखी बंधी रहने से अशुद्ध हो सकती है, इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। अगले महीने की पूर्णिमा तिथि का दिन राखी उतारने के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप अधिक समय तक अपनी कलाई पर राखी को नहीं बांधे रखना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी राखी उतारी जा सकती है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी कुछ जगहों में 6 और कुछ स्थान पर 7 सितंबर को मनाई जाएगी। सितंबर महीने की 29 तारीख को अगली पूर्णिमा तिथि पड़ेगी। बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप राखी उतार सकते हैं। 28 सितंबर की शाम को 6:49 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन 3:26 दोपहर तक रहेगा। इस बीच आप किसी भी वक्त अपने आराध्य देवी देवताओं का स्मरण करके राखी उतार सकती हैं। सनातन संस्कृति के जानकारों के अनुसार जिस प्रकार रक्षाबंधन के समय स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर रक्षा सूत्र पहनते हैं, उसी प्रकार रक्षा सूत्र उतारते समय स्नान ध्यान करने के पश्चात ही रक्षा सूत्र उतारना चाहिए और रक्षा सूत्र उतारने के बाद माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर काम में आएगी और हमें अब आप इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।